हेलो, गुड इवनिंग टू ऑल। वेलकम टू माय चैनल अंकुर मनिया। आज हम एक कथा के बारे में डिस्कस करेंगे। मैं आपको एक कहानी सुनाऊंगा। कथानायक है नहुष। काफी सारे लोगों ने सुनी होगी, मुझे बहुत अच्छी लगी, मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ। नहुष क्या होता है? एक अच्छा व्यक्तित्व होता है, बहुत ही अच्छा इसे पृथ्वी लोक पे रहता है और राजा जैसे कार्य करता है, विद्या में निपुण होता है, कोई चीज की उसे कमी नहीं होती। तो एक बार स्वर्गलोक से इंद्र देवता वहां पे भ्रमण कर रहे होते हैं, तो इंद्र सोचता है क्यों नहीं इसे स्वर्ग में जगह दे दी जाए, ये तो मानव है तो दे दी जाए, क्योंकि देव की तुल्य कार्य कर रहा है, कोई इसमें द्वेष भावना नहीं है, राग भावना नहीं है, तो क्यों ना इसको अपन स्वर्ग में जगह दे दी जाए। वह स्वर्ग में जाता है और वो कई अपनी इंद्राणी से बात करता है कि ये ऐसा मनुष्य है जिनको हम स्वर्गलोक में जगह देना चाहते हैं। तो इंद्राणी बोलती है कि पृथ्वीलोक में जो मनुष्य है उनका विश्वास नहीं होता, वो जल्दी मोहित हो जाते हैं, वो माया के जाल में जल्दी फंस जाते हैं। और कहा भी गया है कि बड़े बड़े संत, बड़े बड़े अच्छे अच्छे लोग देखे हैं जो माया के मुंह में फंस जाते हैं और अपना जीवन तिरस्कार को प्राप्त होते हैं। तो इंद्र ने हट पकड़ ली कि नहीं, मैं उसे स्वर्गलोक में स्थान दूंगा। तो उसके बाद दोस्तों इंद्र उस नहुष को बोलता है कि चल तू हमारे स्वर्गलोक में रहना चाहिए। जैसे स्वर्गलोक में मिलता है नहुष, वहां के जैसे माहौल में सेट होने लगता है, तो नहुष को क्या धीरे धीरे उनका मोह होने लगता है। मोह ऐसा होता है कि दोस्तों जो ज्ञान से निपुण है, जो संस्कारों से निपुण है, वो भी ऐसे लोग मोह से ग्रसित हो जाते हैं। तो एक बार क्या होता है, इंद्राणी वहां पे उनके पास उधर से जा रही होती है और वो वहां के जो उद्यान है वहां पे टहल रही होती है, तो इतने में नजर पड़ जाती है नहुष की इंद्राणी पर, तो वो उसके मोह में मोहित हो जाता है। उसके बाद जैसे वो मोहित होता है तो अपना कर्म था, अपना जो उसका ज्ञान था, वो उसको भूल जाता है। भूलने पर इंद्र देवता उसे वापस पृथ्वीलोक पर भेज देते हैं और बोलते हैं तुम पृथ्वीलोक के मनुष्य मोह के कारण आगे नहीं जा सकते, इसीलिए तुम्हें स्वर्गलोक अप्राप्य है, तुम इसके लायक नहीं है। तो दोस्तों ये मैं क्यों कह रहा हूँ, अपने विद्यार्थी जीवन में बहुत जरूरी है। बच्चे अधिकांश बच्चे पढ़ नहीं पाते और किसी मोह के कारण मोहित होकर अपनी जो विद्या अर्जन करते हैं, जो पढ़ाई करते हैं, उसका वो नुकसान कर बैठते हैं। तो क्यों ना इस मोह को रोका जाए। मोह होना चाहिए लेकिन अपनी पढ़ाई के लिए, अपने जीवन के लिए, अपने जीवन और संस्कारों के लिए और अपने उद्देश्य जो अपने सपना लिए उसको पूरा करने के लिए। उससे तो अच्छा है कि हम आगे बढ़े, तभी हम कामयाब हो जाएं, तभी हमारा विद्यार्थी जीवन आगे कामयाब होगा। क्योंकि मेरी जो भी वीडियो में बोलता हूँ विद्यार्थी जीवन के लिए है, वो बहुत ही जरूरी है, क्योंकि युवा अवस्था ही है जो एक बेहतर देश का निर्माण कर सकती है। कैमरामैन डिंपल सोनी के साथ यूट्यूब चैनल अंकुर मनिया, जय हिंद।